मैच नंबर 16 हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी में सबका स्वागत। मैच नंबर 16 खेला जाएगा पापुम रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। मैच रेफरी और दोनों कैप्टेंस जा रहे हैं पिच की तरफ। इस वंडरफुल मैच रेफरी क्वाइन दिखाते हुए पापुम रॉयल्स के कप्तान टचिदोरिया टॉस करते हुए। तेल से पापुम रॉयल्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। यही है रिपोर्ट आपका टॉस का। तो मैच नंबर 16 खेला जाएगा पापुम रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स एंड विल बी प्लेड इन दिस ब्यूटीफुल एबी क्रिकेट ग्राउंड एमची नेसल्ड इन द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एक तरफ रेलवे ट्रैक, दूसरे एंड पर है फिश फार्म, हरी फिश फार्म, लश हिमालयन रेंजेस को भी आप देख सकते हैं। पापुम रॉयल्स बनाम पोमा ट्राइडेंट्स मैच नंबर 16 डे 9 की हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024। मैं फिर से बता दूं, टॉस जीता पापुम रॉयल्स ने, कप्तान दोरिया ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। एक सुंदर सा ग्राउंड हमारा एबी क्रिकेट ग्राउंड और हमारे हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी लाइव आएंगे यूट्यूब पर पेविलियन टीवी में और स्कोर कार्ड रिलेटेड एंड उसमें भी आप लाइव देख सकते हैं www.pavilionplay.com जाके। कुछ ही देर में प्लेयर्स वार्म अप करते हुए, कुछ ही देर में हम लाइव आ जाएंगे। ये नज़ारा देखिए ड्रोन शॉट का हमारे ब्यूटीफुल एबी क्रिकेट ग्राउंड, पापुम रॉयल्स बनाम पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। मैच नंबर 16 डे 9 हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का खेला जाएगा आज। दोनों एम्पायर्स ग्राउंड की ओर करा रहे और गुरंग ताबिन आरका के स्पेशलिस्ट एम्पायर्स, काफ़ी एक्सपीरियंस दोनों के बीच में। पापुम रॉयल्स बनाम पोमा ट्राइडेंट्स मैच नंबर 16 हॉर्नबिल T20 का खेला जा रहा है एबी क्रिकेट ग्राउंड में। और ये पोमा ट्राइडेंट्स के प्लेयर्स ग्राउंड पर प्रवेश करते हुए, याब निया कप्तान लीड करते हुए। जीतना होगा
अच्छी मैच। यहाँ कप्तान दोरिया और 16 वर्षीय तेची तादो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन पोमार रॉयल्स को बापू सॉरी पापुम रॉयल्स को रिप्रेजेंट करके बैटिंग करने आ रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो पोमार रॉयल्स सेकंड प्लेस पर, सॉरी पापुम रॉयल सेकंड प्लेस पर और पोमा ट्राइडेंस फोर्थ प्लेस पर। टेबल टॉपर मैच है ये, पोमा रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइडेंस के बीच में, पापुम रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइडेंस के बीच में। टॉप फोर के लिए अगर स्थान बनाना हो ना तो दोनों को अच्छा गेम खेलना होगा। लास्ट मैच की हार से उबारने के लिए पोमा ट्राइडेंट्स को पापुम और ये गार्ड लेते हुए तेची तादो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, पोटेंशियल है लड़के में, नया सितारी सितारा उभर कर आया है अरुणाचल क्रिकेट में। 16 वर्षीय तेची तादो साथ दे रहे हैं तेची दोरिया, सीनियर प्लेयर आरका, एक्सपीरियंस उनके साथ खचाखच भरा हुआ और लीड कर रहे हैं अपनी टीम को फ्रंट से। वही दूसरी ओर याब निया, सीनियर प्लेयर आरका, उनके पास भी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। पहली बार अरुणाचल टीम को विजय हजारे में विजय दिलाने का बहुत बड़ा योगदान उनका, 6 विकेट असम क्रिकेट एसोसिएशन का चटकाया और विजय हजारे में पहला जीत एक नेशनल स्तर पर पोमा ट्राइडेंट्स को लीड करते हुए। अच्छा मैच होगा पापुम रॉयल्स बनाम पोमा ट्राइडेंट्स। एम्पायर्स फील्ड देखते हुए और ये मैच नंबर 16 डे 9 का सीधा प्रसारण आप देख सकते हो pavilion.tv पर और www.pavilionplay.com जाकर स्कोर कार्ड एंड लाइव भी आप इस मैच का मनोरंजन उठा सकते हो। टेबल टॉपिंग मैच है ये, पापुम रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स टॉप फोर के लिए। पापुम रॉयल्स अपना मोमेंटम बरकरार रखने के लिए होगा और पोमा ट्राइडेंट्स को वापसी करना होगा अगर टॉप फोर में आना है तो। पहला गेंद तेची तादो फेस करेंगे याब निया को, निया तू तादो अपिश बॉल ड्राइव कर दिया है, कवर ड्राइव अच्छी बॉल और ये 4 रन बाउंड्री की ओर। एक लूज डिलीवरी पहला बॉल याब निया के द्वारा, अच्छी ड्राइव कवर की दिशा में और ये 4 रन। कल का फॉर्म लेकर आए हैं तेचिता दो, अच्छी टच में देख रहे हैं वो, कल के मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। पापुम रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स का विजेता को गेस कीजिए प्रोबो डॉट इन जाकर। दूसरी बॉल निया तुता दो,
शॉर्ट बॉल बैक फुट जाकर पंच कर दिया है, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी वापसी निया द्वारा, पहला बॉल लूज पर दूसरी बॉल बिल्कुल लाइन और लेंथ मेंटेन कर कर, कोई रूम जगह नहीं देते हुए तादो को। मैं बता दूं, याब निया बॉलिंग कर रहे हैं, कप्तान हैं हारी फिश फार्म एंड से। नियातु तादो फिर से लाइन, वही दिशा, कोई मौका नहीं बैट्समैन को। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हल्की सी स्विंग पर प्राप्त करते हुए अपनी बॉलिंग पर। अच्छी बॉलिंग, जैसे कि मैंने बताया एक्सपीरियंस की उनकी कोई कमी नहीं, और वही एक्सपीरियंस दिखाते हुए याब निया राउंड विकेट आ रहे हैं, चौथा बॉल डालेंगे। ओ, बाहरी किनारा से बाल बाल बचे, ड्राइव मारने चाहते थे, कोई कनेक्शन नहीं। अच्छी बॉलिंग कर रही है, इस बार स्ट्रेटर बॉल छोड़ा। पहला बॉल जो शायद बहुत कुछ जमे हुए थे अभी तक, बाकी बॉल जो फेंक रहे हैं, अच्छी बॉल कर रहे हैं। फिर से अंदर आई गेंद, पंच कर दिया है पॉइंट की दिशा पर, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में है अभिनव, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं याबनिया। अपनी ओवर की आखिरी गेंद ढालेंगे वो। राउंड विकेट हारी फिश फार्म एंड से। नियातु तादो फिर से शॉर्टर बॉल पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद नहीं, फील्डर दौड़ते हुए तेची दोदुम, अच्छी फील्डिंग पर 2 रन लेने में ये थोड़ी सी लूज गेंद हो गई, और इसी इसके के साथ पापुम रॉयल्स का स्कोर 6 है बिना किसी नुकसान के। पुंगमी पुंगते रिसोर्ट नेसल ने ब्यूटीफुल पोमा रिवर जाकर विजिट कीजिए, गिवन फोन नंबर और ईमेल आईडी पे अगर आपको बुकिंग करना है तो। दूसरी ओर से कप्तान लेकर आए हैं दिव्यान याकुम को, रेलवे ट्रैक एंड से बॉलिंग डालेंगे। स्ट्राइक पर है तेची दोरिया, सीनियर प्लेयर और टीम कैप्टन, एक्सपीरियंस की उनके पास भी कोई कमी नहीं। इस बार की रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। याकुम तो दोरिया निकाल कर खेलना चाहा, थोड़ा एग्रेसिव मूड में देख रहे हैं, पर कोई रूम नहीं दिया याकुम ने, और अच्छी डिफेंस। याकुम जो कि सिलसांगोस सर्कल की प्लेयर है, अच्छे बॉलिंग करते हैं। पापुम रॉयल्स और पोमा टाइटंस के बीच का विजेता गैस कीजिए प्रोबोडोर इन जाके। न्याकुम तुदोरिया शॉर्ट बॉल कट कर दिया है, फील्डर मौजूद नहीं, बैकवर्ड पॉइंट दिशा पर, और ये 4 रन। जैसे कि मैंने बताया एक्सपीरियंस के दोरिया के पास कोई कमी नहीं, अगर आप शॉट डालोगे तो नतीजा वही होगा। एग्रेसिव बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग करते हैं, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, और ये देखिए 4 रन, शॉर्ट बॉल कट कर दिया है, और ये 4 रन। कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर को हिलने का भी। तीसरी बॉल डालेंगे न्याकुम तुदोरिया, फिर से कट करने की कोशिश, बाल बाल बचे, हल्की सी उछाल प्राप्त हुई विकेट से।
याकूब तुतोरिया, और ये पिच के बाहर बॉल करते हुए उसी के साथ एम्पायर द्वारा इशारा नो बॉल का। फ्री हिट मिलेगा, देखिए कप्तान दोरिया क्या करते हैं। अब एम्पायर द्वारा फ्री हिट का इशारा, मुरंग ताबिन, याकूब तो दोरिया बाहर निकालकर खेला, बाहरी किनारा बैट का, थर्ड मैन की दिशा पर 4 रन के लिए। चेक करते हुए चौका या छक्का, को डिसीजन बदलना होगा, और ये छक्का का इशारा, पूरा फायदा उठाया तची दोरिया ने, और बाउंड्री को और बॉल को सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के। अच्छी बॉलिंग, इस बार कोई गलती नहीं किया याकूब ने, कोई रूम नहीं दिया। इस तरह बॉलिंग करना होगा उसे अगर टीम को। दोरिया और तादो काफी कल के फॉर्म को लेकर वापस आए हैं ग्राउंड पर, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। दोबारा निकाल कर खेलना चाहते थे, इसी के साथ ओवर, 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन बिना किसी नुकसान के। पापुम रॉयल्स अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर टूर्नामेंट मैनेजमेंट करना हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर्स बिलो, और यू कैन स्कैन द कोड दैट्स प्रोवाइडेड इन द स्क्रीन एज ऑफ नाउ। द मैच इज बीन वॉच प्लेड लाइव ऑन पेविलियन टीवी एट यूट्यूब, एंड फॉर द स्कोर कार्ड यू कैन फॉलो www.pavilionplay.com। हल्का सा एडजस्टमेंट करते हुए स्टंप्स को, वही निया फिर दोबारा वापस आएंगे हरीफ विश्वाम एंड से। अपनी दूसरी ओवर लेकर पापुम रॉयल्स 17 रन 2 ओवर में, दोरिया नाबाद 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। वही दूसरी ओर तेची तादो अच्छी साथ निभाते हुए, नियातु तादो शॉर्टर बॉल दोबारा कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा पर, और ये 4 रन। ये खराब गेंद फिर से निया द्वारा, शॉर्ट बॉल वो भी बाहर कट कर दिया है पॉइंट दिशा पर तादो ने, और ये 4 रन आसानी से। इस प्रकार की बॉलिंग अगर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप विकेट निकल पाएंगे। पापुम रॉयल्स और पोमा टाइटंस के बीच आज का विजेता को आप गेस कीजिए प्रोबो.इन जाकर। फिर से शॉर्ट बॉल, फिर से ड्राइव कर दिया है कवर सेम लेंथ, और वही नतीजा कवर्स की दिशा पर 4 रन के लिए तादो। जैसे कि मैंने बताया वो शॉर्ट बॉल फिर से दोबारा और ड्राइव कर दिया, ये देखिए जैसे कि मैंने बताया वो कल के फॉर्म को आज भी बरकरार मेंटेन कर रही है। शॉर्ट बॉल बाहर
कोई मूवमेंट नहीं, सीधा बॉल पटक कर बस। तीसरे बॉल डालेंगे नियत उतादो, फिर से शॉट, दोबारा वही 4 रन बाउंड्री के बाहर, वही नतीजा, शॉट बॉल कवर की दिशा पर, फिर से 4 रन। हैट्रिक्स ऑफ फोर, फोर फोर फोर, निया चौथा गेंद डालेंगे, स्लोअर वन उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, और ये चौथा चौका, ये चौथा चौका आप फिर से देख सकते हैं। लेक्सम में अपिस बॉल, स्लोअर वन, और ये उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं और बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तादो, जैसे फिर से शॉर्ट बॉल मारने की कोशिश, कोई रन नहीं। जैसे कि मैंने बताया, उभरता हुआ खिलाड़ी है तेची तादो अरुणाचल क्रिकेट का। 16 ईयर्स के खिलाड़ी इस प्रकार डेवलपमेंट अच्छा लग रहा है देखकर। फिर से ड्राइव करने की कोशिश, मिस हुआ, उसी के साथ तीसरा ओवर कंप्लीट। पापुम रॉयल्स 33 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ नो विकेट। नाबाद खेल रहे हैं तचिता दो, 22 रन्स बनाकर 12 बॉल में। एंड इफ यू वांट टू एडवर्टाइज विद अस, प्लीज कांटेक्ट द गिवन नंबर और स्कैन द कोड्स दैट इज प्रोवाइडेड इन द स्क्रीन। एडवर्टाइजमेंट करना हो तो आपका डिटेल्स स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर आप काइंडली कॉन्टैक्ट कीजिए। सुबह का मैच पापुम रॉयल्स वर्सेस पोमा टाइटंस के बीच, मैं दर्शकों को फिर बता दूं, पापुम रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आप पेविलियन टीवी पर यूट्यूब में लाइव देख सकते हो। न्याकुम फिर आए हैं रेलवे ट्रैक से, न्याकुम तो दोरिया एग्रेसिव मूड में लग रहे हैं, लेग साइड फॉलो किया और ये 4 रन, काफी अग्रेसिव मूड में दिख रहे हैं तची दोरिया। ये देखिए नाकुम ने फेंका बॉल और उसी बॉल को फॉलो किया, देखो ने अच्छी शॉट ऑन ड्राइव खेलते और उसी के साथ 4 रन। अब इस बॉल सीधा मारा, कोई मौका नहीं 4 रन के लिए। तची दोरिया कल टॉप ऑर्डर बैट्समैन अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, अपनी दूसरी ओवर की दूसरी गेंद डालेंगे देबिया न्याकुम, फिर से निकल कर मारना चाहा पर अच्छी बॉलिंग इस बार फॉलो किया बैट्समैन को, कोई रूम नहीं दिया, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। पुंगमी पुंगते रिसोर्ट दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा नेचर का साथ शेयर करने के लिए। न्याकुम तू तोड़िया, फिर से क्रॉस खेलने की कोशिश, कोई रूम नहीं दिया, कोई रन नहीं। अच्छी कमबैक न्याकुम द्वारा, पहला गेंद सीधा सर के ऊपर से मारा था दोरिया ने, उसके बाद बैक टू बैक अच्छी बॉल करते हुए। फिर से निकल कर खेला है कवर पर, कोई फील्डर नहीं,
और ये 4 रन आसानी से। काफी डैमेजिंग मूड में लग रहे हैं दचिदोरिया, निकाल निकाल कर खेलने की कोशिश। और ये देखिए फिर एक्शन रिप्ले में आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो, पर बाउंड्री जाने से रोक नहीं पाई। राउंड विकेट डालने के लिए अपनी 5वां बॉल डालेंगे इस ओवर की दिव्यन्याकुम। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है, कोई फाइन लेग कट करेगा। शायद 2 रन, एम्पायर द्वारा चेक करते हुए। रिप्ले की मांग 4 को। देखिए पीछे गया, फील्डर मौजूद और ये एम्पायर द्वारा 4 का इशारा। मिस फील हुआ फील्डर द्वारा, फाइन लेग की फील्डर ने मिस फील किया। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया था दोरिया ने इस ओवर की आखिरी गेंद। टची दोरिया, फिर से शॉट, फिर से वही दिशा दिखा दी फाइन लेग की दिशा में, और दोबारा 4 रन। मर्डरस मूड में दिख रहे हैं टची दोरिया। ये देखिए शॉर्ट बॉल फिर से फूल कर दिया है एक तरफ की, इसको पैडल शिप भी कहते तो। मर्डरस मूड में दिख रहे दोनों बैट्समैन। इसी के साथ पापुम रॉयल्स का स्कोर, निजी टीम स्कोर 49 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ नो विकेट। इफ यू वांट टू टेक योर टूर्नामेंट टू द नेक्स्ट लेवल प्लीज कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर और स्कैन द कोड्स दैट्स प्रोवाइडेड इन द स्क्रीन एज ऑफ नाउ। आप ये इन मैचेस को लाइव देख सकते हैं पेवलियन टीवी पर, या तो www.pavilionplay.com टाइप कर कर आप सारा स्कोर्स एंड अपडेट्स देख सकते हैं। बॉलिंग में फेरबदल, हरी फिश फार्म एंसल अंकित चौहान को लेकर आए हैं। फील्डिंग सजाते हुए चिता जो 22 रन्स नाबाद खेल रहे हैं 12 बॉल में। 5वां ओवर, पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाते हुए दोनों बैट्समैन। फ्लाइट कर दिया, खेलना चाहते थे और ये मिस। उठाकर खेलना चाहते थे गेंद को, पर नहीं पाए। दूसरी बॉल डालेंगे इस ओवर की अंकित चौहान। शॉर्ट बॉल, वही नतीजा, कोई फील्डर नहीं बाहर, कवर की दिशा पे और 4 रन। तो चितादो को अगर ऐसे बोल दोगे तो वही नतीजा होगा, शॉर्ट बॉल कवर की दिशा में और ये 4 रन की। दोबारा पुल करने की, स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं।
समझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं अंकित, वही दूसरी ओर अग्रेसित मूड में लग रहे हैं तेजता दो। फील्डिंग में फेर बदल, राउंड विकेट हारी फिश फार्म इनसे बॉलिंग कर रहे हैं अंकित, वही दूसरी ओर तेजिता दो 26 रन बनाकर नाबाद। बैकफुट जाकर कट कर दिया है, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। ये अंकित ने अच्छा निर्णय लिया, फिर से बैकफुट जाकर पंच करने की कोशिश, फील्डर मौजूद, नाबुम निगम, और कोई रन नहीं। अच्छी बॉल, कोई रूम नहीं दे रहे हैं अंकित। फिर से कट करने की कोशिश, सीधे हाथों में, उसी के लिए निगम को स्लिप से वहां लिया गया था और वो ही कर बैठे। उसी के साथ पापुम रॉयल्स का पहला विकेट तेचितादो के रूप में। ये देखिए शॉर्ट बॉल कट करने की कोशिश, वही फील्ड सेट और वही हाथ में दे बैठे। अच्छी बॉलिंग, अच्छी सोच, अच्छी प्लानिंग टीम पोमा ट्राइडेंट्स की। और तेचितादो पेविलियन की ओर लौटते हुए, ये देखिए फील्ड प्लेसमेंट, वही शॉर्ट बॉल कट करने की कोशिश, सीधे निगम के हाथों में। कैराली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हमारे अरुणाचल के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। बॉलिंग में परिवर्तन, नया बॉलर, चौदह नंबर की जर्सी, मिराज खान रेलवे ट्रैक एंड से बॉलिंग ढालने आए हैं। वही दूसरी ओर तेची दोरिया, कट कर दिया है थर्ड मैन की दिशा पे, और ये 6 रन 4 रन के लिए ऐसे डिस्टर्ब। कट कर दिया है कवर्स की दिशा पे, अच्छी फील्ड, देखना होगा एक्शन रिप्ले पर। फिर
ये देखिए कट कर दिया है पॉइंट की दिशा पर, ये करो। निकल दिया। अच्छी फील्डिंग निगम द्वारा, अपने टीम के लिए 2 रन बचाए, मेरे 3 रन। मिराज खान तबाक कागो आए हैं स्ट्राइक पर, बैक फुट शॉर्ट बॉल पीछे जाकर पंच कर दिया। फ्री हिट का इशारा, नो बॉल का स्लोअर गेन कंप्लीटली मिस किया कागू ने। कीपर थोड़े मुश्किल में दिख रहे हैं, शायद इंजरी। तबा ततंग अल्फाबेट हॉस्पिटल्स ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल। मेन रोड निर्जुली, प्लीज विजिट कीजिए इफ यू हैव एनी हेल्थ इश्यूज। वी आर बैक लाइव नाउ। मिराज टू कागू, शॉर्ट बॉल कट कर दिया है, बैक पर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। कप्तान निया बैक पर पॉइंट पे, मिराज खान एक्सपीरियंस है बॉलर, स्लोअर वन अच्छी डालते हैं। रेलवे ट्रैक एंड से बॉलिंग करते हुए टीम पोमा ट्राइडेंट्स के लिए, वही दूसरी ओर कप्तान दोरिया बैटिंग कर रहे हैं। मिराज तो दोरिया शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा पर, डीप मिड विकेट की दिशा पर, और 6 रन। जैसे कि मैंने बताया मर्डरस मूड में दिख रहे हैं, शॉर्ट बॉल सीधा पुल कर दिया है डीप मिड विकेट की ओर, बाउंड्री रोप्स के बाहर सीधा 4 रन के लिए। अच्छी लहर में कल के मैच से मैं बता रहा हूँ, चिदोरिया की अच्छी लहर में दिख रहे हैं वो। फिर से बॉलिंग में परिवर्तन, रेलवे ट्रैक से आए एंड सॉरी हरी फिश फार्म एंड से आए हैं तची रोनल। कप्तान ने अब बॉलिंग का भार उनको संभालने दिया है। वही दूसरी ओर क्रीज पर खड़े हैं तची कागु, तबा कागु। रोनल तो कागु
शॉर्ट गेंद पीछे जाकर पंच कर दिया है, फील्डर मौजूद, बस एक रन मिलेगी। कीपर तबा ततंग, बैट्समैन दोरिया के साथ हंसी मजाक करते हुए। अच्छी टीम वाइब्स दिख रही है हॉर्नबिल ट्रॉफी की, और ये काफी अच्छा लग रहा है सारे प्लेयर्स को। टची रोनाल्ड टू टची दोरिया, फिर से निकाल कर खेलना चाहा, शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है 6 रन के लिए। काफी एग्रेसिव मूड में टची दोरिया, ये देखिए हल्की सी शॉट बाहर निकालकर सीधा डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर 6 रन और एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर लगते हुए। शॉर्ट गेन और 6 रन के लिए। टची दोरिया टची रोनाल्ड के बॉल को अच्छी तरह जानते हैं, उन्हीं की एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। फिर से शॉट कट कर दिया है डीपर पॉइंट पे, बैकवर्ड पॉइंट पे टची दो दम मौजूद, बस 1 रन। जैसे कि मैंने बताया, रोनाल्ड और दोरिया एक ही टीम के लिए खेलते हैं, सिलसंगो सर्कल के लिए। अच्छी तरह भाव होंगे उनकी बॉलिंग की। रोनाल्ड तुकागु अंदर आई गेंद, अच्छी डिफेंस, अच्छी कमबैक रोनाल्ड द्वारा। हारी फिश फार्म एंड से स्विंग प्राप्त करते हुए, हल्की सी स्विंग प्राप्त करते हुए टची रोनाल्ड। रोनाल्ड तुकागु स्लोअर वन, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, गोलो गोनू, बस 1 रन मिलेगी टीम पापुम रॉयल्स को। आज का मैच का विजेता अब गेस कीजिए, प्रभो दो इन जाकर। तिची रोनाल्ड तो तिची दोरिया स्लोअर बॉल, हल्की सी मूवमेंट बैट्समैन द्वारा, इसलिए कोई डिसीजन नहीं एम्पायर का। पुंग मी पुंगते रिसोर्ट, प्लीज दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। नेसल्ड इन द ब्यूटीफुल पोमा रिवर, सेरीन एंड कामनेस का एक ट्रू रिसोर्ट। अगर आप स्ट्रेस में हो तो प्लीज काइंडली गो एंड विजिट पुंगमी पुंगते रिसोर्ट। बॉलिंग में परिवर्तन अभिनव को लेकर आए हैं रेलवे ट्रैक एंड से। अभिनव पुकागु शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश मिड विकेट की दिशा पर, लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद, 2 रन आसानी से चुरा लेंगे। अभिनव जो कि ऑफ स्पिन डालते हैं, फिर से हल्की सी फ्लिक कर दी स्क्वायर लेग की दिशा पर, गोलो गोनू, बस 1 रन के लिए। अभिनव तुदोरिया
लॉग स्वीप करते हुए फील्डर ऊपर और ये 4 रन। मिसफील्ड हुआ फील्डर से और ये 4 रन। ये देखिए काफी एग्रेसिव मूड में दिख रहे हैं छिदोरिया। वही दूसरी ओर 18 नंबर जर्सी पहने यापनिया कप्तान सोच में पड़े होंगे कि उनको कैसे आउट करें। यहाँ फील्डिंग बिछाते हुए फिर से फ्लाइट डिलीवरी टैप किया 1 रन की मांग, कोई रन नहीं। अच्छी सोच फिर से फ्लाइट पुल कर दिया है, 6 रन शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है, सीधा 6 रन के लिए थे चिदोरिया ने। ये देखिए शॉर्ट बॉल दिशाहीन ऑफ स्पिन और ये पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर, सीधे 6 रन। अगर दोरिया का विकेट नहीं चटकाया तो शायद स्कोर काफी ऊपर चले जाएंगे। फ्लाइट है दिशाहीन गेंद और ये दोबारा मिस फील्ड गोलो गोनू द्वारा, खराब फील्डिंग। इसी प्रकार अगर आप ये लेवल पर फील्डिंग करोगे तो दर्दनाक कहूंगा मैं। और एम्पायर द्वारा इशारा वाइड का, दर्दनाक फील्डिंग गोलो गोनू द्वारा। इस लेवल पर इस तरह की फील्डिंग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम। टैप कर दिया है फील्डर मौजूद पॉइंट की दिशा पर, कोई रन नहीं। उसी के साथ ओवर की घोषणा। दोबारा बॉलिंग का भार को तेची रोनल को दिया है कप्तान ने। पहला ओवर तो हल्की सी महंगी, 8 ओवर्स कंप्लीट, 77 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। हमारे लाइव स्कोर की पैनल थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ प्रॉब्लम चलते हुए, आप ये स्कोर बोर्ड पे स्कोर देख सकते हैं, 93 रन्स 8 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। टिची रोनल हारी फिश फार्मेन से दबा कागो वन स्ट्राइक। फुलर बॉल ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, कप्तान मौजूद निया बस 1 रन। यहाँ कप्तान दोरिया के विकेट को लेना होगा। टिची दोरिया काफी मर्डरस मूड में दिख रहे हैं, अच्छी बैटिंग शफल करते हुए पिच में। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तेची दोरिया, अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं रोनाल्ड दोरिया। कट कर दिया है और ये मिसफील्ड द्वारा फिर दो रन आसानी से चुरा लेंगे वो। पापुम रॉयल्स
वर्सेस पोमा टाइटंस का आज विजेता को गैस कीजिए प्रोमो डॉट इन जाके और लुप्त उठाइए आप। टची डोनल फिर स्लोअर फुल टॉस पंच कर दिया है, ड्राइव कर दिया है कवर्स की दिशा पर। टची दो दो मौजूद, बस एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर आए हैं ताबा कागु। रोनाल्ड टू कागु, हल्की सी स्विंग, नाबुम गान्या और एक रन आसानी से चुरा लेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, चिदोरिया को आउट करना होगा अगर पोमा टाइटंस को वापस आना है तो इस गेम पर, वरना मुझे नहीं लगता। फिर से निकाल कर खेले, फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर सीधा बाउंड्री के रोप्स के बाहर। ये देखिए निकल कर खेला और ये 6 रन। उसी के साथ टीम पापुम रॉयल्स का 100 रन पूरा। फिर से निकाल कर खेलना चाहते थे, 1 रन मिलेगा आसानी से। गोलो गोनू मौजूद, फिर से खराब थ्रो गोलो गोनू द्वारा। और एक अतिरिक्त रन, और इसे टेक्निकल इश्यू के कारण हमारे स्कोरबोर्ड में प्रॉब्लम। बॉलिंग चेंजेस करते, 105 रन पर 1 विकेट, 9 ओवर्स, काफी आक्रामक रूप में। टिचिडोरिया वही कप्तान निया ने नाबुम निगम को दिया है इस जोड़ी को तोड़ने के लिए। निगम तो कागु बैकफुट जाकर हल्की सी टैप विकेट की दिशा पर, 1 रन लेने में कोई नहीं रुक। निगम टुटोरिया फ्लाइटेड बॉल, शॉट ऑफर नहीं की। प्रोबो डॉट इन जाकर आप गेस कर सकते हैं आज के विजेता को। तीसरी बॉल डालेंगे निगम टुटोरिया, फिर से फ्लाइटेड निकलकर मारा और ये 6 रन लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। ये देखिए निकल कर मारा, अच्छा सोच निगम द्वारा, हल्की सी बाहर फेंका, लेकिन जिस फॉर्म में दोरिया नजर आ रहे हैं
सीधा बाउंड्री रोप से बाहर 6 रन के लिए। निगम तुदोरिया, अच्छी बॉलिंग, क्विकर वन, डिफेंस कर दिया। निगम अपनी टैप कर दिया हल्की सी मिड विकेट की दिशा पर, 1 रन। अच्छी दोरिया समझ बूझ के साथ बैटिंग कर, उनको पता है कि 6 आ चुके हैं। आखिरी बॉल ओवर का शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है, नो मैन्स लैंड में गेंद। और उसी के साथ ओवर की समाप्ति। दसवां ओवर कंप्लीट, 140 114 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आज की विजेता को गैस कीजिएगा, पापुम रॉयल्स वर्सेस पुमा टाइटंस, प्रोबो.इन जाकर। बॉलिंग को बाहर को संभाल दिया है अंकित को फिर से दोबारा। फील्डिंग में फेरबदल करते हुए, उनको पता है कि दोरिया का विकेट लेना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ा स्कोर हो सकता है। अंकित कागु, हल्की टर्न और अच्छी डिफेंस। एबी क्रिकेट ग्राउंड में चलता हुआ हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी करने की कोशिश, मिस हुए। अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं अंकित हारी फिश फार्म एंड से, फिर से फ्लाइटेड गेंद, पीछे जाकर खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन मिलेगा। निगम मौजूद, अच्छी दोरिया की बल्लेबाजी की बात करें तो काबिले तारीफ, पहली ही बॉल से एग्रेसिव दिख रहे थे और वही टेम्पो में चल रहे हैं। अंकित दोरिया फिर से एग्रेसिव खेलने की कोशिश, अच्छी बॉल, कोई रूम नहीं दिया, वही दूसरी। और अंकित को भी देखो तो उन्होंने ही पहला विकेट लिया और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अंकित दोरिया फ्लाइट किया है, क्रॉस खेल दिया है, फील्डर मौजूद, मिस फील्ड, और ये 4 रन देबियान याकूम द्वारा बॉल जज करने की गलती, डीप स्क्वायर लेग में गलती कर बैठे, और ये 4 रन। सिलसंगो का प्लेयर दिव्यान याकुम, बॉलिंग से शॉर्ट बॉल फिर उठा दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर ही है, और ये 6 रन के लिए। अगर आप ऐसे बॉल डालोगे तो यही नतीजा होगा। ये देखिए शॉर्ट बॉल ऑफ स्पिन, राइटी बैट्समैन, और नतीजा 6 रन डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर।
समझबूझ के साथ बॉलिंग करना होगा तो पोमा ट्राइडेंट्स को अगर जीतना हो है तो। उसी के साथ ड्रिंक्स 124 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ वन विकेट। इलेवन ओवर्स कंप्लीट। दर्शकों में बता दूं हमारे थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज के कारण स्कोर बोर्ड्स में थोड़ी प्रॉब्लम और ये वापस आ चुका है। इफ यू वॉन्ट टू मैनेज योर टूर्नामेंट प्लीज कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर बिलो और स्कैन द कोड, इसी पर सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। वेलकम बैक। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पापुम रॉयल्स 124 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ वन विकेट 11 ओवर्स में। करंट रन रेट 11.13 का। नाबुम निगम एक ओवर में 9 रन दे चुके हैं। कागो स्ट्राइक पर निकाल कर खेल दिया है ऊपर से और ये 6 रन लॉन्ग ऑफ की दिशा पर हल्की सी फ्लाइट कर दी, गेम को पढ़ लिया और ये 6 रन लॉन्ग ऑफ की दिशा में टची तबा कागो। निगम तो कागो बैक फुट जाकर कट करने की कोशिश, काफी बाउंस प्राप्त कर रही है नाबुम निगम। कोई करवान दिशाहीन दिशा दिखा दी, फील्डर मिसफील और इसी के साथ 4 रन। तेची दोदुम द्वारा मिसफील आसानी से रोक सकते थे। ये देखिए और इसी के साथ 4 रन। फिर से खेल दिया है सीधा, फील्डर मौजूद, ये देखिए और ये दोबारा मिस फील। इस प्रकार का फील्डिंग अगर करेंगे बहुत ही खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब। लगता है कल चौथा बॉल
क्विकर वन फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, एक रन आराम से मिलेगा और टीम का स्कोर 138 रन फॉर अ लॉस ऑफ वन विकेट्स। जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर इस प्रकार के फील्डिंग आप करोगे तो 200 रन मारने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छी बॉलिंग, कोई रूम नहीं दिया इस बार दोरिया को, और उसी के साथ ओवर का इशारा एम्पायर द्वारा। पापुम रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स की विजेता को गेस कीजिए प्रभोदोत इन जाकर। इफ यू वांट टू ग्रो योर ब्रांड यू कैन एडवर्टाइज विथ अस, फॉर दैट प्लीज कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर्स बिलो और स्कैन द कोड दैट इज प्रोवाइडेड इन योर स्क्रीन एज ऑफ नाउ। दिस मैच इज बीइंग प्लेड लाइव ऑन पेविलियन टीवी एंड www.pavilionplay.com। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी में बता दूं कि पपुम रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। टची दोरिया नाबाद 82 रन बनाकर खेल रहे हैं 36 गेंदों में। अंकित तुकागु फ्लाइटेड बॉल पीछे जाकर पंच कर दिया है, वहां फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से चुरा लेंगे। इसी के साथ टीम का निजी स्कोर 140 रन 12 ओवर्स में। अंकित दोरिया फ्लाइट कर दिया है, कट कर दिया है, फील्डर मौजूद नहीं और ये 4 रन। ये देखिए फिर से मिस फील। धोनी तेरोन मिस फील करते हुए 15 वर्षीय खिलाड़ी, पर इस लेवल में आपको फील्डिंग करना होगा। अंकित तुदोरिया फिर से हल्की सी टैप थर्ड मैन की दिशा में और ये फिर एक बार मिस फील गोलो गोनू द्वारा। मैं बोलू तो कॉमेडी ऑफ एरर्स यहां चलते हुए टीम पोमा टाइटंस द्वारा, काफी खराब फील्डिंग, काफी खराब फील्डिंग, बिलो पार लेवल की फील्डिंग चलते हुए। अंकित द्वारिया फिर से कट कर दिया है, इस बार रोक लेंगे फील्डर, कोई रन नहीं। अच्छी बॉल डाल रहे हैं अंकित, रूम नहीं दे रहे हैं। फिर से अच्छी टॉप स्पिन करते हुए, इस बार धोनी ने बॉल को रोका अपने पैरों द्वारा और टीम एक रन मिलेंगे। उसके साथ पिचिका तबका हुआ है स्ट्राइक पर, फ्लाइटेड डिलीवरी कवर के ऊपर से खेल दिया है सीधा 6 रन। ये देखिए फ्लाइटेड डिलीवरी कवर्स के ऊपर से 6 रन के लिए। पापुम रॉयल्स का टीम स्कोर 153 रन फॉर अ लॉस ऑफ वन विकेट 13 ओवर्स में। इसी रन रेट की, करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 11.18, काफी आक्रामक मूड में है पपुम रॉयल्स। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 89 बनाकर 40 बॉल में, वही दूसरी ओर तबाकागु 33 रन 22 बॉल्स में। कप्तान निया खुद को वापस इंट्रोड्यूस करते हुए, रन का पतंग और विकेट निकालने के लिए।
निया तुदोरिया फिर से निकाल कर खेला स्लोअर वन। पर 2 रन आसानी से ले लेंगे। निया तो दोरिया फिर से स्लोअर गेंद टैप कर दिया है फाइनल की दिशा पर। टची दो तुम मौजूद शिकागो ऑन स्ट्राइक। तीसरा बॉल लेकर आएंगे। स्लोअर गेंद ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं याद नहीं है जैसे कि मैंने बताया एक्सपीरियंस बताया। दर्शकों में बता दूं निया तो दोरिया फिर से हल्का सा फ्लिक मिड विकेट पर फील्डर मौजूद कोई रन नहीं। जैसे कि मैं बता दूं कि आप निया सीनियर अर्का प्लेयर एक्सपीरियंस की उनके पास कमी नहीं। सेकंड स्पेल में अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। अभी तक उन्होंने बस 4 रन अपने ओवर पे देते हुए वही दूसरी ओर। अच्छी दोरिया एग्रेसिव मूड में फिर से फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की दिशा पर। 2 रन की मान है शायद। अच्छी दो तुम मौजूद बस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी दोरिया का निजी स्कोर 93 रन और तबाकागो नाबाद 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस ओवर का आखिरी गेंद कट कर दिया है बाहरी किनारा और कवर्स पर सॉरी मैं अंकित मौजूद उसी के साथ 1 विकेट। अंकित ने कैच लपका पॉइंट में और आसान सा कैच दे बैठे है हल्का सा बाहर और ये कैच। इफ यू वांट टू टेक योर टूर्नामेंट टू द नेक्स्ट लेवल प्लीज कॉन्टैक्ट द डिटेल्स गिवन बिलो। दोबारा अंकित को लेकर आए हैं स्ट्राइक पर और बैटिंग करने आए हैं नाबुम तकर। अंकित तो दोरिया इनसाइड एज लगा कोई रन नहीं। फील्डर मौजूद फाइन लेग में। नाबाद खेल रहे हैं 93 रन में। दोरिया फिर से निकल कर खेलना चाहा। अच्छी बॉलिंग 1 रन आसानी से मिलेगा। पोमा ट्राइडेंट्स की बिलो पार फील्डिंग नजर आते हुए। वही दूसरी ओर नाबुम तकर आए हैं और गाड़ लेंगे। नाबुम तकर जो कि तरासो सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन से खेलते हैं उभरता हुआ खिलाड़ी। अंकित तुतकर ऑफ स्पिन बैकफुट जाकर पंच करने की कोशिश। इनसाइड एज लगा
मिड विकेट की दिशा में जहां वो खेलना चाहते थे वही नहीं, पर एक रन आसानी से मिलेगा। जैसे कि मैं बता दूं, अंकित ने पहला विकेट चटकाया था तादो का। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वही दूसरी ओर कप्तान दोरिया पहली बॉल से अग्रेसिव मूड में, मर्डरस मूड में 94 नाबाद खेल रहे हैं। अंकित तो दोरिया कट कर दिया है, बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच 4 रन के लिए, उसी के साथ उनका निजी स्कोर 98 रन्स। बाहरी बॉल शॉर्ट थर्ड और पॉइंट के बीच से 4 रन, शायद टर्न नहीं मिला अंकित को जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसी के साथ दोरिया का निजी स्कोर 98 रन्स। हल्का सा टैप किया और आसानी से 1 रन मिलेगा। उसी के साथ दोरिया का अपना निजी स्कोर 90 रन्स। इस ओवर का आखिरी गेंद और उनका स्पेल का भी, अंकित क्या करेंगे वो देखना होगा। फ्लाइटेड डिलीवरी, सीधी बैट से खेला, कोई रन नहीं। पोमा ट्राइडेंस का बिलो पार फील्डिंग दिखते हुए, उसी के साथ पापुम रॉयल्स का टीम स्कोर 165 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ 2 विकेट। करंट 100 है 11.0 15 ओवर में। नाबाद कप्तान दोरिया 99 रन्स बनाकर, और साथ दे रहे हैं नाबुम तकर। तो जी दोरिया के जितनी तारीफ की जाए वो कम, अच्छा बैट्समैन, अच्छा फील्डर, अच्छा बॉलर, उनका रूप रणजी में अलग। दबिया न्याकुम को लेकर आए हैं कप्तान, न्याकुम तो दोरिया टैप कर दिया है। उसी के साथ दोरिया का 100 रन पूरा, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 49 बॉल्स में 100 रन, इस टूर्नामेंट का तीसरा सेंचुरियन। पहली बॉल से बहुत ही डेंजरस दिख रहे थे, अच्छा बैटिंग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जितनी भी तारीफ करूं मैं टची दोरिया की वो कम। न्याकुम तो तकर कंप्लीटली मिस, कुछ भी हो सकता था। फुलर बॉल ड्राइव करने की कोशिश, मिस हुआ। थोड़े टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारी आवाज नहीं आ पाई आपको। चौथा बॉल 15वां ओवर का, अच्छी बॉलिंग कर रहे, कोई रूम नहीं दे रहे दिव्या न्याकुम। नाबुम तकर फ्लिक करने की कोशिश, कोई रन नहीं, अच्छी कमबैक। अपना तीसरा ओवर लेकर आ रहे दिव्या न्याकुम, अभी तक उन्होंने बस 1 रन दी।
नाबम तकर ऑन स्ट्राइक, बॉलिंग डालेंगे तभी याकूब। फिर से खेलने की कोशिश, संपर्क अच्छी नहीं, कोई रन नहीं, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, शायद बैट का टोड एंड लगा और सीधा पॉइंट की फील्डर में के हाथों में। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी वापसी न्याकुम द्वारा, न्याकुम तो तकर। आखिरी गेंद, फिर से लेग साइड, जस्ट दिशा दिखाई, फाइन लेग की दिशा पर, और 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, पोमा ट्राइडेंट्स की बिलो पार फील्डिंग जारी। 16 ओवर्स कंप्लीट, पापुम रॉयल्स 168 रन फॉर अ लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कैराली वेल्लम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, आप इंजॉय कर सकते हैं और हमारे इस ट्रॉफी की, इस इवेंट की ड्रिंक्स पार्टनर है। या अपनी फिर कंटिन्यू करेंगे अपने ओवर को, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। निया तो दोरिया स्वीप कर दिया है, स्लॉग स्वीप करते हुए, वहां फील्डर मौजूद, अच्छी कैच लेते हुए निगम द्वारा और एम्पायर द्वारा इशारा आउट का। एक शॉट रिप्ले में देखिए, काफी ऊंचा और निगम द्वारा अच्छा कैच बाउंड्री रोप के अंदर, अच्छी कैच लेते हुए, एक रे ऑफ होप दिखते हुए नाउम निगम की तरफ से। नया बैट्समैन आए हैं रिप्लेस करने तेची दोरिया कप्तान को, जो कि 100 मारकर तातो का बालीजन सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन से वो खेलते हैं। निया तो का फुलर बॉल, लेफ्ट स्टंप का पतंग, समझ नहीं आए, फ्लिक करने की कोशिश, कप्तान निया वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए, और ये देखिए एक्शन रिप्ले में, लेग की बॉल फ्लिक करने की कोशिश, समझ नहीं पाए, हल्की सी शायद इनसाइड एज हो, नहीं पैड से जा टकराया और उसी के साथ लेग स्टंप की पतंग, समझ नहीं पाए, कंप्लीटली मिस हुई। निया हैट्रिक पर, क्या इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक होगा, क्या अपने टीम को वापस लेकर आएंगे या अपनी कप्तान निया पोमा ट्राइडेंट्स की। अगला बैट्समैन आए हैं किशन, रॉयल्स फॉर अ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। किशन गुप्ता आए हैं स्ट्राइक पर, या आप निया डालेंगे। ओहो स्लोअर बॉल, छेड़खानी करता तो ये निया का हैट्रिक होता। पापुम रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स, आज का विजेता कौन होगा, गेस कीजिए। प्रभुदत्त इंजाकर, किशन
फ्लिक करने की कोशिश, कोई रन नहीं, अच्छी वापसी, अच्छी वापसी निया द्वारा। निया का पांचवा गेंद, किशन गुप्ता खेल रहे हैं, कट करने की कोशिश, अभिनव मौजूद, कोई रन नहीं, पॉइंट दिशा पर, अच्छा कमबैक निया द्वारा, दो विकेट चटकाने में कामयाब, सेट बैट्समैन दोरिया और बैक टू बैक विकेट्स बोल्ड करके तातोका को। इस ओवर का आखिरी गेंद, नियातु गुप्ता स्लोअर वन, ब्लॉक कर दिया, सिंगल की मांग, आसानी से चुरा लेंगे। उसी के साथ पपुम रॉयल्स का 169 रन फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 17 ओवर्स कंप्लीट, करंट रन रेट है 9.9 का। टची रोनल आए हैं गेंदबाजी की पारी संभालने के लिए, किशन गुप्ता स्ट्राइक पर, फुलर बॉल फिर से, बस टैप कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, निगम मौजूद, एक रन की मांग, और यह रन आउट का इशारा थर्ड अंपायर की ओर। डायरेक्ट डायरेक्ट हिट, ये देखिए, और ये आउट, अच्छी फील्डिंग निगम द्वारा, रे ऑफ होप इन कॉमेडी ऑफ एरर्स के बीच में, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी कैचेस भी लपके हैं उन्होंने नाबुम निगम द्वारा। नया बैट्समैन के रूप में आए हैं हिबुंग इया, जो कि डेमुक क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर हैं और होम टर्फ है उनका, काफी वाकिफ होंगे इस तरफ से। रोनल्ड तो गुप्ता फिर से फुलर लेंथ पर स्लोअर बॉल ड्राइव कर दिया है, वही पे निगम मौजूद, पर एक रन आसानी से चुरा लेंगे। यहाँ बैक टू बैक विकेट खोते हुए टीम पापुम रॉयल्स, गांठ लेते हुए हिबुंग इया, रोनाल्ड तो इया, फुलर बॉल कट कर दिया है, कोई फील्डर नहीं, 4 रन, बहुत ही खराब गेंद कर रहे हैं टची रोनल, बहुत ही खराब गेंद, अतः
18वां ओवर चल रही है इस टीम का। अच्छी समझ बूझ के साथ हिबुंगिया बैटिंग करते हुए, रनल तो इया फिर से उठा दिया है, फील्डर मौजूद, मिस फील्ड नाबुम गान्या द्वारा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कॉमेडी ऑफ एरर्स चलते हुए, और 2 रन आसानी से चुरा लेंगे। बहुत ही बिलो पार फील्डिंग पर्मा टाइटन्स द्वारा, रे ऑफ होप, बस नाबुम निगम अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी थ्रो, अच्छे कैचेस भी लपके हैं। तेची रोनल तो हिबुंगिया, फिर से फुलर बॉल मिड विकेट की तरफ में, कोई रन नहीं, उठाना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर, और रोनल्ड का इस ओवर की आखिरी गेंद। फुलर बॉल दिशा दिखाने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं बैट से, उसी के साथ 18 ओवर्स कंप्लीट, 177 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पुम्मी पुंगते रिसोर्ट अब विजिट कर सकते हैं, नेस्टल्ड इन द ब्यूटीफुल पोमा रिवर। फॉर बुकिंग प्लीज कॉन्टैक्ट द नंबर्स एंड द ईमेल आईडीज इन द स्क्रीन गिवन बिलो। A beautiful resort. If you are stressed out, please come and visit the beautiful Pungmifungti Resort. अपने आखिरी स्पेल के और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं दिव्या न्याकुम, इस बार हारी फिश फार्म एंड से आ रहे हैं, एंड चेंज करते हुए और स्ट्राइक पर है किशन गुप्ता, 18 ओवर्स कंप्लीट, 177 रन। टीम पफम रॉयल्स शॉर्ट बॉल, दिशाहीन गेंद, खराब कीपिंग, बहुत ही खराब कीपिंग, कॉमेडी ऑफ एरर्स चलते हुए, फिर बिलो पार कीपिंग, बिलो पार फील्डिंग और दिशाहीन गेंद। बहुत ही खराब क्रिकेट पोमा ट्राइडेंस द्वारा, याकुम अपनी दूसरी बॉल डालेंगे, बैकफुट पंच किया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, बस 1 रन आसानी से मिलेंगे। याकुम तो या निकाल कर खेला, इनसाइड एज लगा, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, मैं बता दूं हिबुंगिया काफी एग्रेसिव बैट्समैन, अब आए हैं स्ट्राइक पर। न्याकुम हीव करना चाहते थे, हिबुंग इया कोई संपर्क नहीं, अच्छी कमबैक न्याकुम द्वारा, अच्छी कमबैक कर रहे हैं, पहला वाइट के साथ में, अब अच्छी कमबैक कर रहे हैं वो, वही दूसरी ओर हिया को अच्छी बैटिंग करनी होगी अगर टीम को, उसको फिर से उठा दिया है, कोई संपर्क नहीं बैट से, जैसे कि एक नया कहावत है, यू हिट आई यू मिस आई हिट वाला, वही हुआ, और दिव्यन याकुम का पहला विकेट हिबुंग इया के रूप में, पेविलियन के ओर वापस जाते हुए।
ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया, वो शॉट्स आक्रामक शॉट लेना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं बैट से, और अपना विकेट खो बैठा। सुशील मोरे आए हैं स्ट्राइक पर, देख पाते हैं कि वो क्या करेंगे, क्या 250 का आंकड़ा पार ले पाएंगे टीम। नाकुम तुमोरे फिर से फुलर बॉल ड्राइव कर दिया है, ये फिर मिसफील नाबुम गान्या द्वारा आसानी से 2 रन चुराने में कामयाब। इस अपनी स्पेल की लास्ट बॉल लेकर आएंगे दिव्या न्याकुम हरी फिश फार्म एंड से, वही दूसरी ओर सुशील मोरे जो कि अपने खाता खोला अच्छी कवर ड्राइव की तरफ से। चेक करते हुए कारा रही एम्पायर आरका के सीनियर मोस्ट एम्पायर, उम्र शक्ल से छोटे दिखते हैं लेकिन काफी बुजुर्ग। याकुम तू सुशील मर अच्छी कोशिश पर कोई नतीजा नहीं, डॉट बॉल। उसी के साथ 19 ओवर्स कंप्लीट, 185 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ 6 विकेट्स। यहाँ तेची रोनल को दोबारा लेकर आए हैं, कप्तान का माइंडसेट कुछ समझ में नहीं आ रहा। किशन गुप्ता ऑन स्ट्राइक, फिर से फुल टॉस, हल्की स्विंग मिलते हुए कोई रन नहीं। रोनल्ड अपनी दूसरी गेंद डालेंगे किशन गुप्ता का, फुल टॉस बॉल, कवर की दिशा पर खेल दिया है, निगम मौजूद। आज एक बात तो है, अगर पोमा ट्राइडेंट्स का पिलो पार फील्डिंग लेवल में बस एक सनशाइन जो कि नाबुम निगम, अच्छी फील्डिंग चारों तरफ उनका ही चेहरा बार बार, वही दूसरी ओर या निया कप्तान रोनल तू सुशील, शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश, अच्छी संपर्क नहीं, आसानी से 1 रन चुरा लेंगे। तिच्ची रोनल उभरता हुआ सितारा, कप्तान बैक करते हुए यही देखने को मन था, छोटे छोटे लड़के को बैक करते हुए सीनियर प्लेयर्स। किशन ऑन स्ट्राइक, फुलर बॉल, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 1 रन बस, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तची रोनल, कप्तान का विश्वास को जीता उन्होंने अभी तक। 2 बॉल बाकी, क्या वो खत्म कर पाएंगे?
सुशील ऑन स्ट्राइक, रोनाल्ड सुशील निकल कर मारना चाहा। फिर से मैं बता दूं, जैसा कि मैं बोल रहा था, नाबुम निगम चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये डायरेक्ट हिट, फिर से डायरेक्ट हिट, नाबुम निगम एक अच्छा फील्डर, डायरेक्ट हिट पर डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, और ये निगम का जलवा फिर से, जैसे कि मैंने बताया, रे ऑफ होप, जो सनशाइन है नागम निगम द्वारा, लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री, 65 मीटर्स की बाउंड्री से डायरेक्ट थ्रो, दो दो रन आउट करते हुए डायरेक्ट हिट के साथ। इस इनिंग्स का आखिरी गेंद, टची नॉरल स्ट्राइक पर है सुशील, फुलर गेंद हिला खेल दिया है, मिसफील्ड, 3 रन आसानी से चुरा लेंगे, उसी के साथ टीम का निजी स्कोर 192 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। सेकेंड इनिंग्स ब्रेक, हम फिर लौट कर आएंगे। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। तो आप भी पढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।
दोनों एम्पायर्स ग्राउंड की ओर करार राय और गुरंग ताबिन आरका के स्पेशलिस्ट एम्पायर्स और ये पोमा ट्राइडेंट्स के प्लेयर्स ग्राउंड पर प्रवेश करते हुए रियाब निया कप्तान लीड करते हुए जीतना होगा। यहाँ कप्तान दोरिया और 16 वर्षीय तेची तादो अब इस बॉल ड्राइव कर दिया है कवर ड्राइव अच्छी बॉल और कुमतु दोरिया शॉर्ट बॉल कट कर दिया है फील्डर मौजूद नहीं बैकवर्ड दोरिया बाहर निकालकर खेला नियातु तादो शॉर्टर बॉल दोबारा कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा पर विजेता को आप गेस कीजिए प्रोबोडोट इन जाकर फिर से शॉर्ट बॉल फिर से ड्राइव कर दिया है कवर सेम लेंथ फिर से शॉर्ट दोबारा वही चार रन बाउंड्री डालेंगे स्लोअर वन उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर और एक न्याकुम तो दोरिया एग्रेसिव मूड में लग रहे हैं लेग साइड फॉलो किया और ये खेला है कवर पर कोई फील्डर नहीं और ये चार रन आसानी से काफी डैमेजिंग मूड में लग रहे हैं शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है कोई फाइन लेग कट करेगा तिची दोरिया फिर से शॉट फिर से वही दिशा दिखा दी अंकित चौहान शॉर्ट बॉल वही नतीजा कोई फील्डर नहीं बाहर फिर से कट करने की कोशिश सीधे हाथों में कट कर दिया है कवर्स की दिशा पे अच्छी फील्ड तो दोरिया शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा पर जी दोरिया फिर से निकाल कर खेलना चाह शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है तो दोरिया स्लॉग स्वीप करते हुए फील्डर फिर से फ्लाइट पुल कर दिया है फिर से निकाल कर खेले फील्डर मौजूद लॉन्ग कम तो दोरिया फिर से फ्लाइट निकल कर मारा और ये छे फिर से शॉर्ट बॉल फिर उठा दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर है और निकाल कर खेल दिया है ऊपर से और ये विकर वन दिशाहीन दिशा दिखा दी फील्डर मिस फील और इसी फिर से खेल दिया है सीधा फील्डर मौजूद ये देखिए और ये दोबारा फ्लाइट कर दिया है कट कर दिया है फील्डर मौजूद नहीं फ्लाइट डिलीवरी कवर के ऊपर से खेल दिया है इस ओवर का आखिरी गेंद कट कर दिया है बाहरी किनारा और कवर्स पर अंकित दोरिया कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट और नियातु दोरिया स्वीप कर दिया है स्लॉग स्वीप करते हुए वहां फील्डर मौजूद फुलर बॉल लेफ्ट बॉल फिर से बस टैप कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर निगम मौजूद एक रन की मांग सेवन रन टीम पफम रॉयल शॉर्ट बॉल दिशाहीन गेंद खराब कीपिंग अगर टीम को फिर से उठा दिया है कोई संपर्क नहीं बैट से जैसे कि एक नया कहावत है यू ही चाहा फिर से मैं बता दूं जैसे कि मैं बोल रहा था नाबुम निगम चारों तरफ फैले हुए हैं और ये डायरेक्ट हिट फिर से
तनातिति अपनी तीसरी स्पेल लेकर आएंगे, बस एक रन अपनी दो स्पेल्स में, तीसरी ओवर लेकर आएंगे हरीफ फिशवामैन से। तितितु अमन फ्लिक कर दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं फाइन लेग की दिशा पर, और ये चार रन। तितितु अमन हल्की सी चूक, डाउन द लेग साइड अमन ने पूरा फायदा उठाया, फाइन लेग की तरफ कोई फील्डर, और ये चार। अच्छी लहर में दिख रहे अमन सक्सेना, जैसे कि मैंने बताया अगर टीम को विजेता विजय की ओर ले जाना है तो दोनों अमन और निगम को खेलना पड़ेगा एक अच्छा इनिंग्स। देती तो अमन फिर से शॉर्ट गेन, वही नतीजा चार रन, शॉर्ट गेन पुल कर दिया, वही नतीजा और चार रन आसानी से मिलेगा अमन को। ये देखिए चार रन, शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है हल्की सी, आउटफील्ड स्लो पर चार रन आसानी से मिलेगा अमन को। उसी के साथ अमन का निजी स्कोर 26 होते हुए। देती तो अमन निकाल कर मारना चाहते हैं, अच्छी कनेक्शन कवर की दिशा की ओर से, और ये छह रन का इशारा अंपायर द्वारा। आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन, स्टेप आउट किया और कवर्स की दिशा के ऊपर से छह रन की। जैसे कि मैं बता दो अमन और निगम को ये खेलना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। देती तो अमन फिर से उठा दिया है, वही नीचे जिया, चार रन मिलेंगे आराम से। पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाते हुए अमन चौके और छक्के में बात कर रहे हैं। दिशा से भटक गए हैं तिति, स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिए और आसानी से चार रन। आप गेस कर सकते हो पॉपुम रॉयल्स वर्सेस पुमा टाइटंस की विनर को आज प्रोवो डॉट इन जाकर। अमन ऑन स्ट्राइक, वही तनातिति कम बैक करना होगा। तिति तो अमन फिर से फुलर बॉल, फिर से फ्लिक कर दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और ये चार रन आसानी से मिलेंगे। खराब गेंद और अमन भरपूर फायदा उठा रहे हैं, डाउन द लेग गेन है, फ्लिक कर दिया और यह चार रन आसानी से मिलेंगे। देती अपनी स्पेल के आखिरी ओवर, फिर से शॉर्ट बॉल उठा दिया है मिड विकेट की दिशा पर, और ये छह रन इस ओवर में, चार फोर फोर सिक्स, फोर फोर सिक्स। ट्वेंटी एट रन देते हुए तति अपने तीसरी ओवर में, अच्छा बैटिंग अमन द्वारा, 16 गेंदों में 46 रन,
यही इंटेंट को बरकरार रखना होगा अगर पोमा ट्राइडेंट्स को जीतना है तो इस मैच को। वही दूसरी ओर निगम भी साथ देना होगा अमन का। करंट रन रेट 11.8 और रिक्वायर्ड रन रेट बस 8.9। पोमा ट्राइडेंट्स 59 रन्स फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट 5 ओवर्स में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान दोरिया ने दिया है ताबा टापा को, जो कि रेलवे ट्रैक एंड से बॉलिंग करेंगे इस ब्यूटीफुल एवी क्रिकेट ग्राउंड में। वही दूसरी ओर नाबुम निगम फेस करेंगे थापा को। हाँ दर्शक मैं बता दूं, पोमा ट्राइडेंट्स को चाहिए अब बस 134 रन्स 90 बॉल्स में। थापा तो निगम डाउन द लेग जाते हुए पैड पर लगा एक रन की मांग और आसानी से चुरा लेंगे। तापा तापा स्लोअर लेंथ से शुरू करते हुए बॉल, लेग बाई का इशारा एम्पायर द्वारा। एम्पायर गोरंग ताबिन काफी एक्सपीरियंस्ड। तापा तापा तो अमन सक्सेना आक्रमक बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट बॉल दिशाहीन, फिर से जगह दिखा दिया और ये 4 रन। अच्छी बैटिंग उसी के साथ। अमन सक्सेना का 50 रन 17 बॉल में 17 बॉल में 50 50 रन। धुआंधार बल्लेबाजी मैं कहूंगा। इसी तरह खेलना होगा अगर पोमा ट्राइडेंट्स को जीतना है तो। थापा तीसरे गेंद लेकर आएंगे रेलवे ट्रैक एंड से। थापा तो अमन बाहरी बॉल एज लगा कीपर मिस और ये 4 रन। बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं अमन। अच्छी सोच थापा द्वारा, टॉप एच लगा कीपर के पीछे 4 रन के लिए। थापा तो अमन उठा दिया है, इनसाइड एज लगा और ये अपने विकेट खो बैठे। और अपना विकेट खो बैठे। ये देखिए आपिश बॉल कंप्लीटली मिस हिट इनसाइड एज पैड की ओर और अपना विकेट खो बैठे। अनलकी रहे हल्की सी बेल्स। स्ट्राइक पे आ रहे टची दोदुम। दोदुम और निगम को संभालना होगा। अब रिक्वायर रन रेट ज्यादा नहीं बस 8.7। समझ बूझ के साथ खेलना होगा अगर ये 193 के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो। रिक्स टेकिंग की कोई जरूरी नहीं। अच्छी अच्छी चेंज ऑफ बॉलिंग कप्तान दोरिया द्वारा। वही दूसरी ओर निगम और दोदुम को समझना होगा कि गेम बस रिक्वायर्ड रन रेट 8 का है, उसी हिसाब में दोनों को खेलना होगा अगर पोमा ट्राइडेंट्स की टीम को जीतना है तो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को लेना होगा।
पाते दो दो पीछे जाकर कट करने की कोशिश, फील्डर मौजूद पर एक रन लेने में कामयाब। दोनों स्ट्राइक पर आए हैं नाबम निगम, सलामी बल्लेबाज जो कि आज लॉन्ग ऑफ से दो दो रन आउट कर चुके हैं और एक अच्छा कैच डीप स्क्वायर लेग में। तापातु निगम कट करने की कोशिश, पॉइंट की दिशा पर फील्डर मौजूद, एक रन चुराया। हल्की से टैप कवर्स की दिशा पर, फील्डर मौजूद, आसानी से रन चुराने में कामयाब। उसी के साथ पोमा ट्राइडेंट्स का स्कोर 70 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 6 ओवर्स कंप्लीट। अगर आपको टूर्नामेंट मैनेज करना हो तो काइंडली कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर्स बिलो, या तो स्कैन कीजिए अपने दिए हुए स्कैनर से। फिर से टेटी को बुलाया गया है। टेटी तो निगम शॉर्ट बॉल टैप कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा पर एक रन के लिए, आसानी से एक रन मिलेंगे। जी हाँ, मैं बता दूं, पोमा नीड्स 122 रन इन 83 बॉल्स। निगम और दोदुम को पारी संभालना होगा टीम का अगर पोमा ट्राइडेंट्स को विजय की ओर ले जाना है तो। वही दूसरी ओर पोमा पापुम रॉयल्स ने 193 रन्स बनाए थे अपना 20 ओवर पर। तेतु दोदुम कट कर दिया है, एक रन लेने में कामयाब। मिसफील्ड था बतापा द्वारा, टेटी डालेंगे निगम को ड्राइव करने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं बैट से, डॉट बॉल। ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स खेलना होगा नाविम निगम को अगर टीम को जिताना है तो। और वही दूसरी ओर तिची तो तुमको साथ निभाना होगा। ताना तेती ड्राइव कर दिया है, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छी बॉलिंग ढाल रहे हैं, पिछले ओवर 28 रन्स के लिए गए थे, इस बार अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग डाल रहे हैं। उनका स्पेल का आखिरी ओवर, निगम
फिर से ड्राइव कर दिया है। एक रन की मांग, यहां दो रन हो सकता है, दो रन आसानी से चुरा लेंगे। ताना तेती, अच्छे पिछले ओवर की मार के बाद अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में। आखिरी बॉल उनका स्पेल का, निकाल कर मारना चाहता था, कोई कनेक्शन नहीं। उसी के साथ 60 ओवर कंप्लीट, 74 रन फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगर अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हैं तो एडवर्टाइज के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट द नंबर्स, या तो स्कैन कीजिए कोड को और सारा डिटेल्स पाइए। तापा तापा को दोबारा स्ट्राइक पर लाया गया है रेलवे ट्रैक एंड से, कप्तान धुरिया द्वारा। वही दूसरी ओर बैटिंग में आए हैं टिची दोदुम। मैं फिर बता दूं, अगर जीतना है तो दोनों को अंतिम क्षण तक खेलना होगा। स्लोअर बॉल, एम्पायर ने हाथ उठाया, क्रॉस खेलना चाहते थे। तीसरा विकेट पतंग, समझ नहीं पाए थे चिदोदुम। हल्का सा डिविएशन, बैक फुट पर लगा और एम्पायर द्वारा आउट का इशारा। टाइम आउट का इशारा, नाबुम एक्सक्यूज मी तबा ततंग आए हैं स्ट्राइक पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, इस पिलर्स को लेना होगा। पोमा ट्राइडेंट्स को अगर जिताना है तो उनको साथ देना होगा निगम का। तापा तो तांग, हल्का सा स्विंग हवा में, ड्राइव करने की कोशिश, मिस और कोई रन नहीं। तापा तो पान से, LBW की मांग, हल्की सी स्विंग प्राप्त हो रही है तबातापा को। डाउन डालक जाते हुए अच्छी स्विंग प्राप्त कर रहे हैं, एयर स्विंग तबातापा। अब
अपने स्पेल का चौथा बॉल। कट करने की कोशिश, कंप्लीटली मिस हुआ, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल का, और एक डॉट बॉल। पुंगमी पुंगती रिसोर्ट विजिट करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या मेल कर सकते हैं। पोमा नदी के किनारे बसा पुंगमी पुंगते रिसोर्ट। स्पेल का पांचवा गेंद, फिर से मारने की कोशिश इनसाइड एज लगा स्क्वायर लेग की दिशा पर, एक रन आसानी से मिलेंगे। केराली वेलम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ऑफिशियल ड्रिंकिंग पार्टनर। तुम लास्ट बॉल इस ओवर का, स्लोअर बॉल ड्राइव कर दिया है, एक रन मिलेंगे आराम से। इसी के साथ 8 ओवर्स कंप्लीट। रन लॉस ऑफ 3 विकेट। इफ यू वॉन्ट टू टेक द टूर्नामेंट टू योर नेक्स्ट लेवल, प्लीज कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर और स्कैन द कोड इन योर टीवी स्क्रीन। You can watch this match telecast live on Pavilion TV. And for score details, please type www.pavilionplay.com. बॉलिंग में परिवर्तन, रचित को लेकर आए हैं। अच्छी बॉलिंग, कोई रूम नहीं। रचित ततंग मारने की कोशिश, अच्छी कनेक्शन नहीं। फ्लाइटेड बॉल, रचित ततंग निकलकर मारना चाहते थे, इनसाइड एज लगा, एक रन आराम से चुरा लेंगे। जी हाँ, मैं बता दूं, निगम को एक अच्छा इनिंग्स खेलना होगा। फ्लाइटेड डिलीवरी, नो बॉल का इशारा, 2 रन आसानी से चुरा लेंगे। फ्रंट फुट नो बॉल, फ्री हिट का इशारा, निगम शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद, बस एक रन मिलेगा। रचित को शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मिस टाइमिंग के चलते बस एक रन। बाहर निकलकर मारा,
अच्छी संपर्क नहीं, एक रन। इसी के साथ 9 ओवर कंप्लीट, 84 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वेल्लम केराली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ऑफिशियल ड्रिंकिंग पार्टनर ऑफ हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024। वेल्लम केराली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, द ऑफिशियल ड्रिंकिंग पार्टनर फॉर हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी। दोबारा भार दिया गया है तावा तापा को। हंड्रेड रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 66 बॉल्स। अच्छी स्विंग प्राप्त कर रहे हैं तावा तापा। पापुम रॉयल वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स, गेस कीजिए विजेता, प्रोबोडोट इन जाकर। दूसरी बॉल थोड़ी सी स्विंग मिलते हुए मिड विकेट की दिशा पर खेल दिया, एक रन चुराने में कामयाब। नाबुम निगम पुंगमी पुंगते रिसोर्ट, दिए गए नंबर और ईमेल पर आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग कर सकते हैं। पोमा नदी के किनारे बसा ये रिसोर्ट। तापातु ततांग फुल टॉस बॉल खेल दिया है, अच्छी कनेक्शन नहीं, नो मैन्स लैंड में 2 रन आसानी से मिलेगा, आसानी से 2 रन चुला लेंगे। तबा तातंग अल्फाबेट हॉस्पिटल्स, एनी एलमेंट प्लीज विजिट नूरजली मेन रोड। तबा तपा तो ततंग फिर से डाउन डी लैग, कोई शॉट नहीं, पैड पर लगा, लेग बाय का इशारा एम्पायर ताबिंग द्वारा। हाँ मैं बता दूं, एम्पायर तबिंग तरासो की निवासी, एक्सपीरियंस खचाखच भरा हुआ आरका का एक स्पेशलिस्ट एम्पायर। वही दूसरा और करा रही सगाली की निवासी, उनका भी एक्सपीरियंस काफी। तापातु निगम स्लोअर गेंद मारने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं, हिट एंड मिस, कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो तकलीफ में देख रही है निगम की। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तपा तपा, 2 विकेट चटका चुके हैं और अपना 3रा ओवर का आखिरी गेंद लेकर। तपा तपा तो निगम कट कर दिया है, फील्डर मौजूद, मिस फील, बचाने में कामयाब, 2 रन आसानी से मिलेंगे। फील्डिंग ठीक, दो रन उसी के साथ, 10वां ओवर कंप्लीट, 90 रन पोमा ट्राइडेंट्स फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अल्फाबेट हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज दिए गए स्क्रीन पर, इफ यू हैव एनी एलमेंट प्लीज काइंडली विजिट मेन रोड नूरजली में है अल्फाबेट हॉस्पिटल्स, 24/7 सर्विस है,
अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे, हेमेटोलॉजी लैब, ओपीडी, आईपीडी एंड फार्मेसी। काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर भी है अल्फ्रेड हॉस्पिटल्स में। हारी फिशवामैन से दोबारा बुलाया गया है राचित को। अच्छी बॉलिंग की है फर्स्ट स्पेल में, फर्स्ट ओवर में। स्वीप करने की कोशिश, फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से चुरा लेंगे। अच्छी गेंदबाजी करते हैं हर्षित, रचित मिक्स करते हैं। नाभुम निगम जो नाबाद 20 रन्स 27 बॉल्स में खेल रहे हैं। हाँ मैं बता दूँ, हमारा गेम पेविलियन टीवी में लाइव हो रही है। फुलर बॉल, टॉस कर दिया है, फील्डर मौजूद, बस एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। निगम का कनेक्शन अच्छा नहीं। अच्छी चतुराई से बॉलिंग कर रहे हैं रचित, फॉलो कर रहे हैं बैट्समैन को। रचित ततांग फिर क्रॉस खेलने की कोशिश, मिसफील, कागू द्वारा मिसफील, और ये 4 रन। अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं पर फील्डर को साथ देना होगा। फुलर बॉल खेल दिया है, कनेक्शन अच्छा नहीं, और ये अच्छी सी कैच पकड़ा ताना तेती ने, उसी के साथ विकेट नंबर 4 पोमा ट्राइडेंट्स का। टॉस किया बॉल को, स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, बाहरी किनारा बैट का, और तेती द्वारा अच्छी कैच। नाभुम गान्या को साथ देना होगा नाभुम निगम का अगर पोमा ट्राइडेंट्स को जीतना है। जैसे कि मैंने बताया, ये टेबल टॉप 4 की सेमीफाइनल बर्ड के लिए टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करेंगे। पोमा ट्राइडेंट्स को सीरियस होना होगा अगर मैच जीतना है तो। बहुत ही खराब शॉट ताबा तातंग द्वारा, नाभुम गान्या आए हैं। जितनी भी तारीफ की जाए रचित की वो कम है। अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, कोई रूम नहीं दे रही है। अपना 5वां गेंद लेकर आएंगे रचित, फील्डिंग में थोड़ा फेर बदल। अच्छी बॉल, अच्छी डिफेंस, रचित दुकानिया, लास्ट बॉल, फुलर बॉल ड्राइव किया, एक रन आसानी से चुरा लेंगे। मार
पुंगमी पुंगते रिसोर्ट, पोमा नदी के किनारे। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा दिए हुए डिटेल्स पर। नया बॉलर हल्की सी हवा चलती हुई एवी ग्राउंड में, दर्शक भी खचाखच भरा हुआ। सुशील मोरे रेलवे ट्रैक एंड से स्ट्राइक पर है नाबुम गान्या। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है, दो रन की मांग, आसानी से चुरा लेंगे। सुशील तू हल्की सी बाहर और वाइट का इशारा एम्पायर तबिंग द्वारा। काफी एक्सपीरियंस एम्पायर, सुशील तू गान्या फिर से वही लेंथ पकड़े हुए, अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। पहली गेंद भी उसी लेंथ में ढालने की कोशिश, पर हल्का सा लाइन से चूके और वाइट पर इस बार सटीक बॉलिंग। आउटसाइड ऑफ बॉलिंग कर रहे हैं, कोई मौका नहीं कान्या को। फिर से वही लाइन पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा पे, इया मौजूद, आसानी से दो रन दे देंगे। सुशील तो गान्या बाउंस करने की कोशिश और वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा। अच्छी समझ के साथ बॉलिंग, लेकिन हल्की सी हाइट उसके चलते एम्पायर द्वारा वाइट का इशारा और फर्स्ट बाउंस। सुशील टू गान्या फुलर लेंथ फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा पर, एक रन आसानी से चुराएंगे। सुशील तो निगम बाहरी बॉल पुल करने की कोशिश, दिशाहीन गेंद और ये वाइट। मिक्स करने के कारण शायद सुशील का गेंद दिशा से भटक रही है। अगर सुशील तो निगम फुलर गेंद पैड पे लगा, लेग बाय का सारा एम्पायर द्वारा। जी हाँ, मैं बता दूं निगम 21 रन 28 बॉल्स में खेल रहे हैं। रन रेट की गति को आगे लेना होगा अगर टीम को जिताना है तो। सुशील तुगानिया
शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश, अच्छी कनेक्शन नहीं, फिर से बस एक रन से ही संतुष्ट करना होगा। उसी के साथ 12 ओवर्स कंप्लीट, 107 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। रचित गुनिया कट करने की कोशिश, दो रन की मांग, आसानी से दो रन चुराएंगे। रचित गुनिया डाउन डी लाइक वाइट साइड, वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा, हल्का से लाइन से बटके। 83 रन्स रिक्वायर्ड 47 गेंदों में खेलना होगा, निकलकर मारना चाहा, ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, फील्डर मौजूद, बस एक ही रन से संतुष्ट होकर करना होगा। नाबुम निगम सलामी बल्लेबाज, क्रीज पर मौजूद, अब तक 21 रन बनाकर 29 गेंदों में। रचित निगम हल्का सा टैप कर बैक शॉर्ट थर्ड की तरफ, एक रन। राचित उठा दिया है गान्या, फील्डर मौजूद, मिस। जीवनदान मिला, एक रन आराम से निकाल लेंगे। देखिए जज करने में गलती और उसी के साथ मिस, शॉर्ट रन लेते हुए अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं रांची। 2.5 ओवर्स में 22 रन देकर एक रन चटकाने में कामयाब। गान्या फिर से स्कूप कर दिया विकेट कीपर के पीछे से, अच्छी शॉट और एक रन मिलेंगे बस। उसी के साथ 13 ओवर्स कंप्लीट, 115 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एंड इफ यू वांट टू ग्रो योर ब्रांड यू कैन एडवर्टाइज विद अस, फॉर दैट कॉन्टेक्ट द डिटेल्स इन योर स्क्रीन गिवन बिलो। एंड to all the viewers watching, for scorecard updates you can type www.pavilionplay.com, and also the game is being hosted live on YouTube at the rate Pavilion TV.
ड्रिंक्स का इशारा। वेलकम बैक। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद सुशील को फिर दोबारा लेकर आए हैं वही दूसरी ओर। तीन दिखा रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट है 11.1, करंट रन रेट 8.8 की। नागुम स्ट्राइक पर है, नागुम पमा नीड 78 रन टू विन फ्रॉम 42 बॉल्स, चेजेबल है। क्रॉस खेल दिया है, उठा दिया है सीधा 6 रन के लिए। शायद डगआउट से मैसेज आया है, शॉर्ट बॉल मिड विकेट की दिशा में उठा दिया है 6 रनों के लिए नाबुम गान्या। अच्छी बैटिंग करते हैं, गान्या को पारी संभालना होगा निगम के साथ में अगर पोमा ट्राइडेंट्स को जीतना है। 41 गेंदों में 72 रन रिक्वायर्ड। सुशील तू गान्या उठा दिया है, तादो जा रहे हैं और ये मिस। बाहरी किनारा लगा और दस्तानों के बीचों से इंटेंट क्लियर है, दस्तानों के बीचों से और ये कंप्लीटली मिस जज कर बैठे ते चिता दो। जैसे कि मैंने बताया कैचेस विन मैचेस, क्या कैच ड्रॉप भारी पड़ेगा पापुम रॉयल्स को। सुशील टू निगम
शॉर्ट बॉल दिशा देने की कोशिश, कोई रन नहीं। निगम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा इस टीम का, और पपुम रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स का विजेता को गेस कीजिए प्रोबो डॉट इन जाकर। फिर से दिशाहीन गेंद खेलने की कोशिश और एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। जैसा कि मैं बता रहा था, निगम को इंटेंट लेना होगा 23 रन्स 32 बॉल्स में, एक सीनियर प्लेयर के हिसाब से खेलना होगा। सुशील तो निगम शॉर्ट बॉल फिर से मिस, स्ट्रगल कर रहे हैं वो शायद। अच्छी बॉलिंग सुशील द्वारा, समझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है, फाइन लेग पे फील्डर मौजूद, बस एक ही रन से संतुष्ट करना होगा निगम को। सुशील तुगानिया शॉर्ट बॉल, वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। इंटेंस सही, कोच मजा लेते हुए। सुशील दुगानिया फिर से शॉर्ट स्लोअर बॉल डालने की कोशिश, दिशाहीन। लेग साइड और ये वाइड का इशारा। पापुम रॉयल्स के कोच मैनेजर मजा लेते हुए अपने टीम का। सुशील तुनिगम शॉर्ट बॉल कट कर दिया है, रन लेने की क्षमता, दो रन आसानी से दो रन दे बैठेंगे। जैसे मैं बता दूं, यह मैनेजर पापुम रॉयल्स का मजा लेते हुए, आनंद उठाते हुए गेम का। फोर्टीन ओवर्स कंप्लीट, 124 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आपका टूर्नामेंट को अगर आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट पेविलियन दिए गए नंबर पर। रांची तू गान्या क्रॉस खेला है, फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से चुरा लेंगे। यहां निगम को इस टीम का भार संभालना होगा, 26 रन 35 गेंदों में। अगर पोमा ट्राइडेंट्स को लेना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा कंधों पर। ड्राइव किया मिड विकेट की दिशा पर, दो रन की मांग और आसानी से दो रन चुरा लेंगे। गेंदों में आराम से चेजेबल है, T20 का मैच है, और आप गेस कर सकते हैं पोमा रॉयल्स वर्सेस पोमा, सॉरी, निकाल कर लॉफ्ट
शॉट खेला है ऊपर और ये चार रन। अच्छा शॉट, अच्छी फॉलो डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर और ये चार रन। अच्छा इंटेंट निगम द्वारा। राचित निगम निकल कर मारना चाहते थे, रनआउट का इशारा, रनआउट हो सकता था, ड्रेसिंग रूम पर इशारा देते हुए निगम। अच्छी बॉलिंग कर रहे लाइन और लेंथ के साथ राचित। निकाल कर खेला है और ये चार रन गांजा के बल्ले से काउस कॉर्नर की तरफ दिशा में। फ्लाइटेड गेंद राचित द्वारा निकल कर खेला काउस कॉर्नर की दिशा पे चार रन। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं गान्या अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ। कप्तान दोरिया आए हैं अपने गेंदबाजी को बचा कर रखे थे ये डेप्थ ओवर्स के लिए। अब बस 52 रन रिक्वायर्ड 30 गेंदों में 6 विकेट हाथ में। अब देखिए यहां से क्या होता है। निगम स्ट्राइक लॉफ्ट कर दिया है ड्राइव खेलने की कोशिश, 2 रन आसानी से मिल सकता है और आसानी से 2 रन चुरा लेंगे। अच्छी ड्राइव कवर की दिशा पर निगम द्वारा पापुम रॉयल्स बनाम पोमा ट्राइडेंट्स कौन जीतेगा probo.in जाकर आप गेस करिए। वहां पोमा ट्राइडेंट्स की मैनेजर फिर से स्वीप कर और ये मिड विकेट की तरफ में और ये चार रन। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ये चार रन बाउंड्री के बाहर। मैनेजर काफी खुश पोमा ट्राइडेंट्स की अपने टीम को चेयर करते हुए। यह है दूसरी ओर दोरिया तो निगम फिर से लॉफ्ट किया है फील्डर मौजूद
दो रंग की मांग और आसानी से चुराएंगे। फील्डिंग में परिवर्तन, इया को अंदर बुलाया, कागू को बाहर भेजा। दोड़िया तू निगम, फ्लाइट टर गेन फिर से दोबारा, दो रंग की मांग और आसानी से चुराएंगे। अच्छी बैटिंग कर रहे निगम, बाउंड्री से नहीं लेकिन दो दो रन चुराकर टीम को। टीम को लक्ष्य की ओर ले जाते हुए एक अच्छा इनिंग्स, दो रन आउट भी लॉन्ग ऑफ से, एक अच्छी कैच डीप स्क्वायर लेग में। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, फिर से शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद कागू, यहाँ कप्तान दोरिया नाखुश, शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद, कप्तान दोरिया नाखुश, निकल कर मारना चाहते थे और ये छक्का, गांजा का इंटेंट क्लियर है, हुई दूसरी ओर, कप्तान दोरिया काफी नाखुश होंगे। अच्छी बॉल, अच्छी बैट, फ्लाइटेड गेंद, गांजा ने स्वीकारा और बाउंड्री के बाहर। अल्फाबेट हॉस्पिटल्स मेन रोड न्यू जुली पहुमपारे डिस्ट्रिक्ट, हम लोग आखिरी ओवर लेकर आएंगे। तवा तपा अच्छी गेंद डाले, दो विकेट चटकाए थे उसने तीन ओवर में बस 18 रन देकर। वही दूसरी ओवर, निगम और गांजा का इंटेंट क्लियर, या तो आर या तो पार। अभी एंड चेंज करके आए हैं तवा तपा हरी फिश फार्म एंड से, एक शीतल लहर बहती हुई एबी ग्राउंड में। अब बस 35 रन्स रिक्वायर्ड है 24 बॉल्स में। पापुम रॉयल्स वर्सेस पोमा ट्राइबन्स, आज का मैच कौन जीतेगा गेस कीजिए प्रोमो डॉट इन जाके। वही दूसरी ओवर, 23 रन्स रिक्वायर्ड है 35 रन रिक्वायर्ड है 23 बॉल्स में। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तापा तापा, तापा तो निगम, ड्राइव मार दिया है कवर की दिशा पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं और इसी के साथ 4 रन। मैनेजर काफी कुछ पुमा ट्राइडेंट्स की अपने टीम को चेयर करते हुए आगे निकला और ड्राइव खेला कवर की दिशा पर और ये 4 रन। मैनेजर काफी खुश, तापा तो निगम, शॉर्ट बॉल,
पत्तु निगम, दिशाहीन गेंद और ये वाइट रन का इशारा एम्पायर द्वारा। पत्तु निगम दिशाहीन दोबारा और ये वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा। लाइन से भटक रहे हैं तापा तापा। फुलर बॉल कंप्लीटली मिस किया। तापातु निगम खेल दिया है कवर की दिशा पर, फील्डर मौजूद, अच्छी ड्राइव लगाया पर दो रन आसानी से चुराने में कामयाब। उसी के साथ निगम का पचास रन पूरे, पचास रन नाबुम निगम द्वारा। तापा का स्पेल का आखिरी बॉल उठा दिया है और देखना होगा चार रन। उठा दिया है चार रन फाइनल लेग की दिशा पर दीप और ये चार रन। उसी के साथ वन हंड्रेड सेवेंटी रन सेवेंटीन ओवर्स फॉर अ लॉस ऑफ फोर विकेट्स। ट्वेंटी थ्री रन रिक्वायर्ड है एटीन बॉल्स में। गान्या और निगम को दोनों को ले जाना होगा इनिंग्स को लास्ट तक। और ये मिस फील रचित द्वारा और ये कॉमेडी ऑफ एरर यहां भी चलते हुए। मैनेजर काफी खुश पोमा ट्राइडेंट्स की चीयर करते हुए अपनी टीम को। अब 20 रन रिक्वायर्ड है 17 गेंदों में। निगम और गान्या को टिक कर खेलना होगा लास्ट मोमेंट तक। शॉर्ट रन टैप किया, एक रन आराम से चुरा लेंगे और दूसरा रन की मांग है। डायरेक्ट हिट टकर द्वारा और उसी के साथ गान्या को अपना विकेट देना होगा। ये देखिए डायरेक्ट हिट कमेंटेटर्स
20 तक। अच्छी फील्डिंग नाबुम तक्कर द्वारा, लॉन्ग ऑफ से थ्रो करके डायरेक्ट हिट, निगम को ले जाना होगा टीम को, अब ज्यादा नहीं, 19 रन्स की आवश्यकता 16 बॉल्स में। कट कर दिया है, मिस फील्ड, तान मुस्कुराते हुए हिबुंग इया का फील्डिंग देख के। हिबुंग इया जो कि डेमुक क्रिकेट एसोसिएशन से खेलते हैं, फिर से फ्लाइट दिया और फील्डर मौजूद, बस एक रन। कॉमेडी ऑफ एरर्स चलते हुए, कप्तान दोरिया नाखुश, दोरिया तो निगम, फिर से बाहरी गेंद कट कर दिया है। रिफल की मांग, थर्ड एम्पायर द्वारा नॉट आउट का सिग्नल, ये देखिए फिर से एक्शन रिप्ले में मिस फील, क्लोज कॉल, वेरी क्लोज कॉल, सोच में है मैनेजर पापुम रॉयल्स का, वही दूसरी ओर कप्तान दोरिया का आखिरी बॉल इस ओवर का, नाबाद 61 रन्स बनाकर खेल रहे हैं नाबुम निगम, फिर से कट कर दिया है, फील्डर मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, कीपर के दस्तानों के हाथ में,
उसी के साथ 18 ओवर्स कंप्लीट, 181 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बारह बॉल में 12 रन। पुंगमी पुंगते रिसोर्ट जो पोमा नदी के किनारे, आप दिए गए नंबर और ईमेल में जाकर बुकिंग कर सकते हैं और नेचर का मजा ले सकते हैं। पुंगमी पुंगते रिसोर्ट, 12 गेंदों में 12 रन। बॉलिंग स्ट्राइक पर आए हैं राम हारी फिश फार्म एंड से, वही दूसरी ओर 62 रन्स बनाकर नाबाद खेल रहे हैं नाबुम निगम। अथर्वा ओवर लेकर आ रहे हैं राम हारी फिश फार्मेंस से, बैटिंग में है। ये कट कर दिया है ये देखिए राचित बॉल की तरफ, मेसी की तरह बॉल को बचाएं अपने लेफ्ट पाव से। मेसी इंटर मायामी छोड़कर एबी क्रिकेट ग्राउंड में, राम तू निगम फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा पर, फील्डर मौजूद। कप्तान निया आए हैं, पोमा बस अब 9 रन्स रिक्वायर्ड है 10 बॉलों में। राम तुनिया ऊपरी बॉल डिफेंस किया, आसानी से 1 रन चुरा लेंगे। कप्तान निया बारी को संभालने के लिए आए हैं। नागुम निगम थोड़ी से प्रॉब्लम में लग रहे हैं, उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा उनकी तरफ से। लॉन्ग ऑफ की दिशा से 2-2 रन आउट, डायरेक्ट हिट और डीप स्क्वायर लेग में एक अच्छा डाइविंग कैच लेकर, और फिर अपनी टीम को 65 रन नाबाद खेल रहे हैं नागुम निगम। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग बोले करते हुए नागुम निगम का जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वाइड दिशाहीन गेंद मारना चाहते थे, पटकना चाहते थे राम दिशा से बक के, और वाइड का इशारा है पैर द्वारा। अब बस पोमा ट्राइडन को जीतने के लिए, सात रन शॉर्ट बॉल कट कर दिया है, फील्डर मौजूद नहीं, और ये 4 रन। अच्छा कट, या हमारे ग्राउंड्समैन टिकू का ताकत मक्चा कट करते हुए, डाइव अच्छी लगाई थी पर बॉल नहीं रोक पाए।
अब बस 3 रन्स रिक्वायर्ड है। फिर से कट करने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं बैट से। जैसे कि मैं बता दूं, ऑल राउंड परफॉर्मेंस नाबुम निगम द्वारा 2 लॉन्ग ऑफ से डायरेक्ट हिट रन आउट, स्क्वायर लेग में एक अच्छी डाइविंग कैच डीप स्क्वायर लेग में, उठा दिया है, सीधा खेल दिया है, उसी के साथ पोमा ट्राइबल्स विजय हुए। यहाँ प्लेयर्स एक दूसरे के साथ हैंड चेक करते हुए, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, ऑलराउंड परफॉर्मेंस नाबुम निगम द्वारा। याद रखिएगा नाम को, नाबुम निगम, और मैनेजर काफी खुश पोमा ट्राइडेंट्स का। नाबुम निगम द्वारा सिंगल हैंडेडली टीम को ले जाते हुए, कप्तान याबनिया भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। टीम मैनेजर काफी खुश पोमा ट्राइडेंट्स की, झूमते हुए जाते हुए डगआउट की ओर। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आ जाइएगा दोनों टीम्स। ये ना एक हेलो 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 क्या क्या दुरिया। वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एरिया। मैच नंबर 16 प्लेड बिटवीन पापुम रॉयल्स एंड पोमा ट्राइडेंट्स। द टॉस वाज वन बाय पोमा रॉयल्स एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैटिंग फर्स्ट पोमा Papum Royals scored 192 runs, losing 7 wickets in the 20 overs. And chasing the match, Poma Titans won the match by 5 wickets in 19 overs. And to do the honors, we have on the dais Lika Tehi, who is our senior player from ARCA and also a selector of this term. And for the man of the match, I would like to call upon the name, the one and only Navam Nigam. Two runouts, please. Two runouts, 73 runs in 60 balls, not out. And a lovely catch in the deep square leg area. Tehi sir will be presenting the man of the match check and also our official drinks. Extra. With that, we'll be ending the post-match presentation area. Thank you.